सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर वर्ड्स। सो गाइस, अभी तक मार्वल की मूवीज़ में हमने बहुत सारे इंडियन रेफरेंसेस देखे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मार्वल कॉमिक्स में कई इंडियन सुपर हीरोज़ भी हैं, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, दिनेश देवल। इस कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला था 2015 के अवेंजर्स नाम के कॉमिक्स में। ये कैरेक्टर एक इंजीनियर था, लेकिन इसके पास इनह्यूमन इनहेरिटेंस थी। ये कैरेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंट्रोल कर सकता था। बात करें अगर इसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो इसकी एबिलिटीज़ थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजन, कंप्यूटर इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इमिशन और चैनलिंग कंड्यूट। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड कैरेक्टर की ओर। नंबर 4, राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा के पास एक सूट था एंटमैन की तरह, जिससे कि वो एंटमैन की तरह बड़ा और छोटा हो सकता था। और राज मल्होत्रा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अच्छी खासी नॉलेज थी, और वो अवेंजर्स का एक डुप्लीकेट वर्जन बनाया जाता था, मतलब अवेंजर्स का एक डुप्लीकेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाता था। और ये कैरेक्टर हमें पहली बार नज़र आया था सितंबर 2015 के कॉमिक्स एंटमैन के एनुअल वॉल्यूम इशू 1 में। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो इसके पास एंटमैन जैसा एक सूट था, जिससे कि वो बड़ा और छोटा हो सकता था, और इसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अच्छी खासी नॉलेज थी। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। नंबर 3, पवित्र प्रभाकर। पवित्र प्रभाकर को हम स्पाइडरमैन का इंडियन वर्जन भी कह सकते हैं। ये कैरेक्टर हमें पहली बार नज़र आया था 2005 की कॉमिक स्पाइडरमैन इंडिया में। इस कैरेक्टर की ओरिजिन अपने नॉर्मल वाले स्पाइडरमैन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि पीटर को एक स्पाइडर काटता है और फिर उसे स्पाइडरमैन की पावर्स मिलती हैं, लेकिन इस कैरेक्टर की ओरिजिन बिल्कुल ही डिफरेंट है। पवित्र प्रभाकर को अपनी पावर्स घोर तपस्या करने के बाद मिली थी। बात करें अगर इसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ बिल्कुल सिमिलर हैं पीटर पार्कर की तरह। मतलब जो पावर्स पीटर पार्कर के पास हैं, वही पवित्र प्रभाकर के पास भी हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और भी बहुत सारे पावर्स। तो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। नंबर 2, पारस गावस्कर। पारस गावस्कर एक म्यूटेंट है, और ये पैदा हुआ था इंडिया में। और ये कैरेक्टर हमें पहली बार नज़र आया था 2005 की न्यू एक्समैन कॉमिक्स में। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो इसके पास था रिट्रैक्टेबल एक्सोस्केलेटन, रिट्रैक्टेबल वेपन्स और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। सो गाइस, अब आते हैं हमारे लास्ट कैरेक्टर की ओर। नंबर 1, शक्ति हदद। ये कैरेक्टर हमें पहली बार नज़र आई थी अक्टूबर 1993 के एक्समैन 2099 कॉमिक्स में। शक्ति हदद एक फाउंडिंग मेंबर थी एक्समैन 2099 की। और अगर हम बात करें शक्ति के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो शक्ति के पास है एक्स फैक्टर डिटेक्शन और नर्वस सिस्टम मैनिपुलेशन। और शक्ति एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी है, जो कि ट्रेन हुई है मेडिकल टेक्निक्स में, और ये एक स्किल्ड मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी है। सो गाइस, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।